एक मुट्ठी इस चीज़ को डाल देने से आपके पौधे में मार्च अप्रैल तक फ्रूट ही फ्रूट दिखाई देंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल टेक्निकल गार्डनिंग विद अभी में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि वो एक ऐसे फर्टिलाइज़र के बारे में जिसे कि हम अपने पौधे में डालने के बाद हमारे पौधे में ढेर सारे फ्लावर्स और फ्लावर्स फ्रूट्स में कन्वर्ट होंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, एक कोई भी पार्ट वीडियो का मिस मत कीजिएगा। इससे पहले अगर आप सभी मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपसे मिस ना हो। तो आइए दोस्तों, पहले हम ये जानते हैं कि पौधे में अगर फल नहीं आ रहे हैं, फूल नहीं बन रहे हैं, फल नहीं आ रहे हैं तो उसके पीछे कारण क्या है। दोस्तों जो मेन कारण होता है, हम अपने गमलों में पौधे लगा रहे होते हैं छत पे, तो कम मिट्टी में पौधे उग रहे हैं तो उन्हें न्यूट्रिएंट्स की, पोषक तत्वों की कमी हो जाती है जिसकी वजह से पौधे की ग्रोथ रुक जाती है या उसमें फल फूल बनना बंद हो जाता है। तो कुछ दो मेन रीजंस होते हैं जिनकी वजह से पौधे में फल नहीं बनता है। पहला दोस्तों कि हमारा पौधा ही हमें बता रहा होता है कि उसको किस चीज़ की कमी है। तो आप पौधे को देख के इस बात को पता लगाइए। तो अगर आपके पौधे में पोषक तत्वों की कमी हो गई है तो आपके पौधे में फूल नहीं बनेंगे। तो उसमें पहली चीज़ जो होती है, अगर आप पत्ते आपके पीले पड़ के गिर रहे हैं या मुरझा रहे हैं तो आप ये जान लीजिए कि आपके पौधे में नाइट्रोजन की कमी हो गई है। नाइट्रोजन की कमी के कारण पौधे के पत्ते पीले पड़ के गिरने लग जाते हैं। तो ऐसी दशा में आपको पौधों में नाइट्रोजन से रिच कंपोस्ट देनी है। दूसरा दोस्तों, अगर फॉस्फोरस की कमी हो जाती है तो पौधे की ग्रोथ रुक जाती है। बोन मील कम हो जाता है या आप पोटेशियम कह लीजिए, अगर ये कम हो जाता है तो पौधे में फल बनता नहीं है और बनता है तो उसकी साइज़ काफ़ी छोटी रह जाती है। तो ये कुछ तरीके होते हैं जिनसे आपको पता करना है कि आपके पौधे में किस चीज़ की कमी है जिसकी वजह से आपको फल या फूल नहीं मिल रहा है। अगर ये सारी चीज़ें करने के बाद भी आपको फल फूल नहीं मिल रहे हैं तो आपके लिए ये भी ज़रूरी है कि आपने पौधे की प्रूनिंग कब की है। उसकी काट छाट करते समय ये भी ध्यान रखना है कि अगर पौधे की फ्लावरिंग स्टेज आने वाली है और उस समय पे आप पौधे की प्रूनिंग कर देते हैं तो जो न्यू ब्रांचेज आते हैं उनमें फ्लावर्स नहीं आ पाते हैं जब तक कि वो मैच्योर ना हो जाए। देखिए मेरे न्यू ब्रांचेज हैं उनमें फ्लावर्स नहीं आए और ये जो मैच्योर ब्रांचेज हैं इनमें ढेर सारे फ्रूट लगे हुए हैं। तो जब भी पौधे की विकास हो रही हो और फ्लावरिंग स्टेज आने की हो, जैसे गुआवा प्लांट है हमारा दोस्तों, ये साल में दो बार फ्रूटिंग देता है। एक इसमें फ्लावरिंग की स्टेज होती है जनवरी फरवरी में फ्लावर्स आते हैं और दूसरा इसमें सितंबर अक्टूबर में फ्लावर्स आते हैं। तो इस टाइम पे आपको प्रूनिंग नहीं करनी है। तो आइए दोस्तों आगे हम बात करते हैं कि हमें कंपोस्ट कौन सी देनी है जिससे कि पौधे में ढेर सारे फूल और फल आएँ। तो आप दोस्तों यूज करेंगे काउडंग कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट, जो भी आपके पास अवेलेबल हो। अगर काउडंग कंपोस्ट यूज कर रहे हैं तो वो अच्छे से सड़ी गली होनी चाहिए, ताज़ी गोबर की खाद नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा दोस्तों हम यूज करेंगे बोन मील पाउडर। बोन मील पौधों की फल को बढ़ाने में बहुत ही सहायक होता है, जो कि आप सभी जानते होंगे कि जानवरों के हड्डियों के चूरे से बनाया जाता है बोन मील। तो इसमें आप कैल्शियम और पोटेशियम काफ़ी रिच मात्रा में होती है। तो बोन मील हम 18x18 का हमारा ग्रो बैग है तो उसमें एक से दो मुट्ठी बोन मील पाउडर यूज करेंगे हम। इसके बाद दोस्तों हम यूज करेंगे फास्फोरस, जो कि हमारे पौधे की ओवरऑल ग्रोथ में बहुत ही सहायक होता है। तो एक से दो मुट्ठी हम फास्फोरस ले लेंगे और फिर दोस्तों इसके बाद जो हम खाद लेंगे वो हमारे पौधों के लिए और पौधे की मिट्टी को उपजाऊ बनाए रखने के लिए बहुत ही कारगर होता है। तो वो कौन सी खाद है दोस्तों, वो है सीविड ग्रैनुअल्स। ये समुद्री कवक और शैवाल से बनाया जाता है। इसका काम होता है दोस्तों कि मिट्टी को उर्वरक बनाए रखना, उपजाऊ बनाए रखना। तो इस प्रकार हम एक मुट्ठी ये ग्रैनुअल्स ले लेंगे। ये आपको पाउडर फॉर्म में भी मिल जाएगा, तो जैसा भी आपके पास हो उसे इस जो खाद हम बना रहे हैं इसमें मिला लेंगे। इस प्रकार हम पूरी अच्छे से पूरे कंपोस्ट को मिला लेंगे
और फ्लॉरिंग आने से, अगर जो टाइम है फ्लॉरिंग का उससे कुछ दिन पहले हम इस कंपोस्ट को अपने पॉट में गमले में दे देंगे। तो दोस्तों ये मेरा ड्रम में मैंने लगा रखा है अमरूद का प्लांट, तो इसकी हम अच्छे से डीप गुड़ाई कर लेंगे जिससे कि जो भी हम कंपोस्ट दें वो पौधे की रूट तक पहुंच जाए। इस प्लांट में दोस्तों मेरे एक भी फ्लावर्स नहीं है अभी और कोई फ्रूट भी नहीं लगा हुआ है, तो चारों तरफ से इसकी डीप गुड़ाई कर लेंगे। जो गुआवा की फीडर रूट्स होती हैं दोस्तों वो ऊपर की तरफ ही निकली होती हैं, तो डीप गुड़ाई करेंगे हम ताकि जो हम कंपोस्टिंग करें वो डायरेक्ट फीडर रूट्स को मिल जाए। दोस्तों डीप गुड़ाई करने के बाद हम जो कंपोस्ट हमने बना रखी है उसे इस गमले में, पूरे गमले में अच्छे से चारों तरफ फैला देंगे। इस प्रकार दोस्तों हमने पूरे कंपोस्ट को गमले में चारों तरफ फैला दिया है और फैलाने के बाद हम अपने हाथों की मदद से या किसी टूल की मदद से इसमें मिट्टी में अच्छे से मिला देंगे, मिक्स कर देंगे, ताकि जब हम वाटरिंग करें तो मिट्टी में इसके जो पोषक तत्व हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं, वो अच्छे से घुल जाएं और फीडर रूट्स को मिल जाएं। दोस्तों इसको अच्छे से मिला लेने के बाद हम कर देंगे गमले में वाटरिंग। जब भी ड्राई कंपोस्ट करें किसी भी पौधे में तो उसके बाद वाटरिंग करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि वाटरिंग जब हम करते हैं तो जो कंपोस्टिंग हम किए होते हैं वो पानी के साथ घुल के फीडर रूट्स को डायरेक्ट मिलती हैं। अगर हम उसमें वाटरिंग नहीं करेंगे तो उसको डिकम्पोस्ट होने में, हमारी जो कंपोस्ट है और फीडर रूट्स को उससे लेने में काफ़ी टाइम लग जाता है, इसलिए वाटरिंग करना बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है। तो हमने दोस्तों कर दी वाटरिंग, अब हमारे पौधे की फीडर रूट्स जो ऊपर ऊपर निकल रही हैं उनको ये सारे कंपोस्ट मिल जाएंगे और पौधे में बहुत ही जल्दी आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो, जानकारी अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और जितना हो सके उतना शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।